माया सुनो, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। केस नहीं मिला तो क्या हुआ? वैसे भी कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। और अब कौन सा दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए? फेम का। तुम्हारी वो जो सिंगर है ना, शी इज नॉट इवन इन द सेम लीग एज माय नेक्स्ट क्लाइंट। अब मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज को हैंडल करूंगा। गुड लक समीर। गुड डे। परफ्यूम की दुकान। ये कुछ नई मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, दो हफ्ते तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। बैंडेज आपकी रिमूव कर दिए, थैंक यू स्टाफ। बहुत ज्यादा सर में दर्द हो या डिजीनेस फील हो तो फौरन मेरे पास आ जाइएगा। वैसे सर में दर्द होगा नहीं क्योंकि मैंने जो मेडिसिन लिखी हैं वो कवर कर देंगे। परफेक्ट, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि इनको जितना ज़्यादा हो सके उतना आराम करवाइएगा और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। फिट आ गए थे कपड़े? चलो अब कहाँ जाएंगे हम? नादरा के ऑफिस, वहां से पता चलाएंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। उठो। ये तुम्हारे शूलेस खुले में, रुको मैं करता हूं। यहाँ क्या हो रहा है आपको नहीं पता? एक्ट्रेस आनिया खान, समीर की क्लाइंट। तभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज 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 लीव अराउंड प्लीज। हाय आनिया, आई एम समीर, दिस इज फॉर यू, वेलकम टू आवर फार्म, लेट्स गो। दिस इज माय असिस्टेंट अली। अली तुम प्लीज इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाओ, आई विल बी बैक। तुम्हें गाने वाने सुनने का शौक तो नहीं है? मेरी गाड़ी का बाजा नहीं बजता। शाहिद, वो मैं कल के लिए, आई एम सॉरी, पुलिस वाला मुझे आपके और माया के खिलाफ करना चाहता था। हाँ, और वो ये भी बोल रहा होगा कि माया को ब्लैकमेल करो और उससे पैसे निकलवाओ, है ना? हाँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। खैर है, भूल जाओ उस बात को, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा नाम हमको पता चल जाएगा और तुम हमारे लिए गुमनाम नहीं रहोगे। रिलैक्स करो। एक्चुअली मैंने एक बात नोटिस की है, आपकी एक्टिंग में ना कुछ अलग ही जादू है और आपकी आंखें, उफ, स्क्रीन से नजर नहीं हटती मेरी। रियली? कौन कौन सी मूवीज देखी आपने मेरी?
वो वाली है ना जिसमें आप हीरोइन होती हैं और लड़की को आपसे प्यार हो जाता है? प्यार पहली नजर में। हाँ, वही वाली। इतनी खूबसूरत हैं आप, कहीं वो मूवी मेरे लिए तो नहीं बनी थी। I am so sorry for keeping you waiting, Miss Anya. I hope you like the bouquet. Oh, अच्छा हुआ आपने remind करवाया। I forgot to take a picture. जी जी जरूर। Would you like some coffee? I hope मेरे sister ने आपका ख्याल रखा होगा। No no, thank you. मैं coffee नहीं पीती और आपका sister वैसे काफी cute है। जी जी, I don't know anything about that. खैर, आपने कहा था कि आपने किसी co-actress पे केस करना है। Shall we talk about that? आप समीना रिजवी को जानते हैं? नहीं, I don't think so. Exactly. इसको कौन जानता है? और लास्ट वीक तक पाकिस्तान में मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी मैं थी, और अब देखें इसके अचानक से 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैं आपको दिखाती भी हूं, ये देखें। हाँ, और 80% फॉलोअर्स फेक है। तो हमें इस पे केस करना चाहिए और इसका अकाउंट बंद करवाना चाहिए। Let me get this straight. आप चाह रही हैं कि मैं समीना रिजवी पे फेक फॉलोअर्स का केस करके उसका इंस्टाग्राम बंद कराऊं? Exactly. ये तो चीटिंग है ना, और इसका अकाउंट बंद करवा देना है एट एनी कॉस्ट, ताकि मैं पाकिस्तान की फिर से मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी बन जाऊं। जी, माय थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आलिया, एंड आई होप कि अगर आपको आइंदा भी किसी केस में जरूरत हुई हेल्प की तो आप हमें जरूर बताएंगे। माया, आप माया मलिक है ना? जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैंने आपको टीवी पे देखा है और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट भी दिया है। थैंक यू सो मच। आपको पता है, मुझे पता होता है कि आप इस फिल्म में काम करती हैं, मैं सीधा आपके पास आ जाती, मैं कहीं और जाती भी नहीं। क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले लूं? या श्योर। थैंक यू, वेलकम। Thank you.
यार शाहिद तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ेगा यार, समझ से बाहर है। जाहिर है दोस्ती तो काम आते हैं। चलो लड़के की इन्फॉर्मेशन चाहिए। या ऑलराइट, अपने सीधे हाथ का अंगूठा इस पे रखें। ठीक, इनका आईडी कार्ड रिन्यू करवाना है। नाम जानना है, नाम पता करना है। रयान सुहेल ये नाम है। उसको अपना नाम भी नहीं पता था। नहीं, वो एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था इसका, तो याददाश्त चली गई। ओह, वेरी सैड। और डेट ऑफ बर्थ है 29 May 1990। कोई फैमिली वगैरह? फैमिली वालिद का नाम है सुहेल बेग और वालदा का नाम है हिना सुहेल। 15 साल पहले वालदा का इंतकाल हो चुका है और 2 साल पहले वालिद की भी डेथ हो चुकी है। कोई सिबलिंग? बहन है और उसका नाम है हानिया सुहेल, लेकिन आई एम सॉरी 2017 में उनकी भी डेथ हो चुकी है। क्या मैं उनकी कोई तस्वीर देख सकता हूँ? ये आपके वालिद की तस्वीर है और ये आपकी वालदा की तस्वीर है। तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले ही 18 साल की हुई थी, इस वजह से उसकी कोई भी फोटो हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। अच्छा, कोई कोई एड्रेस वगैरह? हेलो, हाँ बस मैं 2 मिनट में फ्री हुआ हूँ। ओके ठीक है, मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और घर का एड्रेस मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा शायद एक बात और, इसका आईडी कार्ड बनने के लिए दे दूँ क्या? हाँ देना है, वो वॉलेट गुम गया था ना, तो आईडी कार्ड नहीं था उसमें। ठीक, ओके, थैंक यू। Two beauties, heart heart. इस तस्वीर में एक स्ट्रॉन्ग औरत है और दूसरी आनिया खान। क्यों लोग इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हैं? मुझे तो बहुत स्वीट लगी। मैम, इन लोगों ने आपको भी नहीं छोड़ा है। ये कॉमेंट सुने, आनिया खान तो थी ही ऐसी, लेकिन माया मलिक से मुझे ही उम्मीद नहीं थी। ये क्या पहनी हुई है माया? Is this the Islamic Republic of Pakistan? क्या मतलब? What are you kidding? दिखाओ। इन कपड़ों में क्या मसला है? सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को हर चीज से मसला होता है। फोन, समीर का फोन है। जी सर। जी जी सर, बस एक मिनट में आया, एक मिनट में। और मुझे इनके साथ काम करने से मसला है, पता नहीं इनका असिस्टेंट कब वापस आएगा। यस, मैं आ रही हूँ। ज़ायरा के भाई आ गए, वही है ना? चलो। बेल बजा के देखते हैं।
पहुंचा देगा। तुम्हें अगर गाड़ी में बैठना है तो बैठो, मैं पता करके आऊंगा। यहाँ कोई कोई रयान नाम का लड़का रहता था? नहीं तो? अच्छा, फिर हम शायद गलत घर में आ गए, सो सॉरी। क्या यहाँ सुहेल बेग रहा करते थे? सुहेल बेग, हाँ, 5 साल पहले ये घर हमने उन्हीं से खरीदा था। कहाँ चले गए होंगे, कोई आइडिया आपको? नहीं, कुछ पता तो नहीं। हाँ, अलबत्ता ये याद है कि उन्होंने ये घर इमरजेंसी में काफ़ी जल्दी में फरोख किया था। ठीक है, थैंक यू। पड़ोसियों से पता करते हैं। आजा। शादी के कुछ सालों तक तो बिल्कुल ठीक, लेकिन जब ताहिर के वालिद की मौत हुई, भाइयों में जायदाद को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। सारा मसला वहां से शुरू हुआ। मतलब? पहले उसके भाई, फिर उसकी मां पट्टियां पढ़ाती रही कि जायदाद का बंटवारा करो। दोनों मियां बीवी में बहुत लड़ाइयां होने लगी, क्योंकि ताहिर घर का बड़ा बेटा था तो उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। जारिया ने सबको घर में आने से मना कर दिया। उसके घर वालों ने ठान लिया कि उसकी दूसरी शादी करवाएंगे, जो कि उसके मामू की बेटी है। फिर मसले बढ़ते गए। मेरी मासूम बहन को उन्होंने बहुत मारा। हम पुलिस के पास भी गए तो उसने अपनी बेटी को बीच में डाल दिया कि बेटी नहीं दूंगा। जायरा ये सुनकर चुप हो गई और वापस घर आ गई। जायरा ने खुद को बचाने के लिए उसको धक्का दिया था और वो सीढ़ियों से गिर गया, उसकी मौत हो गई। इस सब के बाद ताहिर की फैमिली ने क्या किया? उनको तो मौका मिल गया जायरा पर झूठा इल्जाम लगाने का, जायदाद पर कब्जा करने का, जो कि ताहिर पहले ही जायरा के नाम कर चुका है। That's ridiculous. पैसा, जायदाद, जो ताहिर के मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों को मिलने वाली थी, जो उनके भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा कि जायरा छोटे घर की लड़की है, उस पर इल्जाम लगाकर उसे आसानी से फंसाया जा सकता है। उस पर झूठा केस डालकर मेरी मासूम बहन को जेल करवा दी। वजह बहुत सिंपल है राही, जायरा के वकील ने केस जीतने की कोशिश ही नहीं की। बहरहाल हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। सबसे पहले तो हम जायरा से मिलने की इजाजत लेंगे, उसके बाद हम कोर्ट में बेल की अपील करेंगे। आई विल बी इन टच, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। मैडम, अगर आप ये केस जीत जाते तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। पूरी कोशिश करूंगी, डोंट वरी। आमिर जी, शुक्रिया।
सॉरी शायद मैं मीटिंग में थी, क्या हुआ? जी नहीं नहीं इट्स ओके, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ओ शुक्र, क्या नाम है उसका? रायान। रायान ठीक है, शायद मुझे उसके एड्रेस की लोकेशन पिन भेज दो, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, उसने जो एड्रेस बताया था वहाँ पर हम लोग आए, लेकिन अब यहाँ कोई और रहता है। तो क्या मतलब उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ? उसकी फैमिली ठीक है, मैं इसको ऑफिस लेकर आता हूँ। ओके बाय। पुलिस मुंह बंद रखेगी अपना, क्योंकि जिनकी तुम्हें तलाश है बहुत ऊंचे लोग हैं, उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। तुम उन लोगों को जानते हो? क्या करोगे इनका? ऐसा कुछ नहीं जिसके वो लायक ना। वो तो बिल्कुल अकेला है, फिर अब कहाँ जाएगा वो? मैंने शायद से कहा है कि उसको यहाँ पे ले आए, दोनों आ जाएं तो फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है उसके साथ। कितनी अजीब सी बात है ना मैम, मतलब एक इंसान अपनी जिंदगी में इतने लोगों को खो चुका है और उसे ये भी नहीं पता कि कब और कैसे। बट आई होप उसको एक दिन याद आ जाएगा। आई होप सो टू। लेकिन एक बात दोनों कान खोलकर सुन लो, जब वो यहाँ आ जाए तो प्लीज तुम दोनों ऐसी बातें उससे मत करना। ले आया उसे, बालकनी में वेट कर रहा है। ओह ओके ग्रेट। हाय बे। थैंक्स। रायान अच्छा लग रहा है फाइनली तुम्हारा नाम जान के। आई एम सॉरी मैं कल नहीं आ सकी तुमसे मिलने, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। इट्स ओके। तुम्हारी फैमिली के बारे में बात करके तुम्हें सैड नहीं करना चाहती मैं, आई एम सॉरी। लेकिन अगर तुम इस बारे में बात करना चाहते हो तो कर सकते हो मुझसे। सुबह मुझे मेरा नाम भी मालूम नहीं था और अब मुझे पता चला। मेरे माँ बाप और मेरी बहन तीनों इस दुनिया में नहीं है। बहन की तो शक्ल तक याद नहीं मुझे, क्या हुआ होगा?
कैसे वो सब इस दुनिया से चलेगा? कैसे मेरी बहन सिर्फ 18 साल की उम्र में इंतकाल कर गई? इतने साल मैंने कैसे अकेले गुजार दिए? ये सब सवाल है, इनका जवाब देने वाला कोई नहीं। अफसोस इस बात का नहीं कि वो लोग इस दुनिया में नहीं। बल्कि इस बात का है कि मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं। तीन साल हो गए मेरे अब्बू को गुजरे हुए। बहुत क्लोज थी मैं उनसे। जिस तरह जिस वक्त उनकी डेथ हुई उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। बहुत वक्त लगा मुझे उस टाइम से निकलने में, लेकिन फिर यही सोचा जाने वाले वापस नहीं आते और कोई फायदा नहीं है उस वक्त के बारे में सोचने का। कम, तुम काफी बुरे वक्त से गुजर चुके हो। You deserve something else now. खुद सोचो, हमारे प्यारे जो हमें दुनिया में छोड़ के चले गए, अगर वो हमें ऐसे देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। I really hope कि तुम अब खुश रहो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, okay? किसी भी चीज के लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे कहीं रहने की जगह ढूंढनी होगी। सो गाइस, ये रायान है, मरियम एंड अली दोनों मेरे असिस्टेंट्स हैं। हेलो रायान। हाय रायान, मैं तुम्हारी इस नई जिंदगी में तुम्हारा तीसरा दोस्त हूँ। नहीं नहीं, दूसरा, शायद भाई किसी के दोस्त नहीं है। अच्छा, इसकी बातों में ना आना। तुम प्लीज बैठो, मुझे थोड़ी देर दे दो, मैं आ रही हूँ। ओके, शायद बैठो। अरे आओ बैठो रायान। देखिए संभालिए, हेल्प चाहिए थोड़ी सी। कैसी हेल्प? बॉस को मनाना है, आई होप उनका मूड अच्छा हो। क्यों, मतलब किस किस चीज के लिए मनाना है? कम। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस प्लीज, उस रूम को कोई नहीं यूज करता, कोई नहीं जाता वहां। शायद उसे किसी होटल में ठहरा दो। सर, वो किसी होटल में सेफ नहीं रहेगा। सर, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन होता तो हम जरूर कर लेते। तुम चाहती हो कि एक अजनबी शख्स को मैं अपनी फर्म में ठहरा लूं, अगर वो चोर निकला तो? वो चोर नहीं है सर, मैं जानता हूं उसको। तुम कैसे जानते हो? उसका नाम तो तुम्हें आज पता लगा। सर, अगर कोई भी चोरी या नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, प्रॉमिस। और आपने जो मुझे लास्ट टाइम केस दिया था, मैंने इनकार कर दिया था ना। अब आप जो भी केस देंगे, आई विल टेक इट। तुम अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। You sure? Yes sir, we are sure. अच्छा लड़का है। आ जाओ, ये है हमारे बिग बॉस का कमरा। ज़रा दूरी है। थोड़े से मूडी है बॉस, but he's a very good man. और ये हमारे रेजिडेंट सड़ू का कमरा, समीर।
सर समीर ही इज अ वेरी गुड लॉयर बट मैं माया के साथ थोड़ा थोड़ा क्या सच बताओ कि दुश्मनी है इट्स बिकॉज़ ही कुड नेवर बी नंबर 1 बिकॉज़ नंबर 1 तो माया मैम चलो नीचे चलते हैं पूरा ऑफिस तो देख लिया हमें तो मैं अपनी फेवरेट जगह दिखाऊं ये है हमारा कैफेटेरिया स्नैक्स बिस्किट्स चाय कुछ भी चाहिए यहाँ सब मिलता है और अली भी तुम्हें ज्यादा यहीं मिलेगा हाँ आ जाओ और यहाँ होते हैं इंटर्न्स अली और मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी तब मरियम मुझ पे लाइनें मारा करती थी झूठ ऐसा कुछ नहीं होता था और अयान ये है तुम्हारा कमरा आ जाओ अच्छा लगा सॉरी थोड़ा सा मेसी है बट आई विल गेट इट क्लीन बहुत अच्छा थैंक यू ऐसे तो मत देखो प्यार हो जाएगा अली चलो रियान के लिए डिनर भी अरेंज करना मैम हम आते हैं ओके सॉरी थोड़ा गंदा है मैं कल किसी को कहूंगी साफ कर दे यहाँ से मैं सोच रहा था इतना बड़ा ऑफिस है मैं किसी चीज में मदद नहीं कर सकता तो मेहमान हो यहाँ पे प्लस ये एक लॉ फर्म है यहाँ पे सब लॉयर्स हैं तुम लॉयर तो हो नहीं शायद पहले नहीं था लेकिन अब तो कुछ भी हो सकता अभी तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है फिर तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ लेंगे करने के लिए टाइम हो गया है मुझे घर जाना है मैं कल आऊंगी एक्चुअली मेरा नंबर जो है ऑफिस में लिखा हुआ है फोन के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी ओके एंड कल मैं तुम्हें शॉपिंग पे भी ले जाऊंगी क्लोथ्स ओके बाय आज मैं काफी अरसे के बाद एक लंबी सुकून की नींद सो सकूंगा और ये सब तेरी वजह से हुआ है जो तूने किया है ना मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता अरे शाकिर मैंने तुमसे कितनी बार कहा ये छोटे छोटे मसलों से डरा मत करो नहीं 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 मैं डरता नहीं हूं तू ये बता छोड़ इन चीजों को ये बता मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए यार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो और बस तेरे होते हुए मुझे कोई फिक्र की जरूरत नहीं है What do you mean फर्म में रहेगा ऑफिस में कौन रहता है तो और क्या करती उसको होटल में लेके जाती इट्स नॉट सेफ फॉर हिम घर भी नहीं लेके आ सकती थी इसीलिए मैंने बॉस से बात की थी कि वो जो स्पेयर रूम है वो दे दे उसको एटलीस्ट तब तक जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती और उसकी अगर याददाश्त वापस नहीं आई तो क्या करोगे तुम इतना मैंने नहीं सोचा सारा माया सोचना तो पड़ेगा ना तुम्हें तो और क्या करती मैं सारा यही सोचती रहती कि वो कहाँ से आया है क्या करता है उसकी शादी हुई है कि नहीं अगर ये सवाल सोचती रहती ना तो आज की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती वैसे जो कुछ भी तुमने मुझे उसके बारे में बताया ना मेरे दिल में भी उसके लिए सिंपैथी पड़ गई है तुम एक दफा उससे मिलोगी ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कुछ कहता भी है या पहले की तरह चुप चुप कुछ खास नहीं लेकिन उसको मुझसे बात करना अच्छा लगता है कंफर्टेबल फील करता है मेरे साथ एक्चुअली मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगता है सारा मैंने तुम्हें कहा था ना उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत नजर आती है मुझे बल्कि मासूमियत ही नहीं उसकी आंखों में बहुत गम भी है पहले मुझे उस इंसान की परवाह थी जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अब मुझे रायान की परवाह
मैं नहीं जानती कि वो कहाँ से आया, क्या करता था, कैसा था। लेकिन अब जानना चाहती हूँ, मैं रायान की कहानी जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।